हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुबह मोहन। मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो अगेन मैं आज एक वेट लॉस का टॉपिक लेके आई हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कोई ड्रिंक लेके आई हूँ, यहाँ पे मैं कोई डाइट लेके नहीं आई हूँ, यहाँ पे मैं ऐसी कोई चीज़ लेके नहीं आई हूँ। यहाँ पे मैं आर्टिफिशियल तरीके से किस तरह से आप अपना टमी हाइड करो, किस तरह से आप इंस्टेंट अपना पेट अंदर करो, क्योंकि लेडीज़ के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आफ्टर डिलीवरी या फिर डिलीवरी के पहले भी जो हमारे नाभि के आसपास है यानी बैली बटन का जो एरिया है वो काफ़ी निकल आता है, और उससे दबाने के लिए हम मार्केट से पर खरीदते हैं या फिर टमी टकर वाली पैंटी खरीदते हैं। इस तरह से मतलब हम उसको हाइड करते हैं बहुत ही इंस्टेंटली, और उससे 2 से 3 इंच आपकी जो पेट है, जो कमर है, वो कम हो जाता है, और आप कोई भी ड्रेस साड़ी कुछ भी पहनते हैं तो आप इंस्टेंटली दुबले दिखते हैं। तो लेकिन मेरे पास बहुत सारे ऐसे मेल्स आते हैं, ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हम इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सुगम, तो हमारे लिए कोई सोल्यूशन बताइए। तो आज आप लोगों के लिए मैं सोल्यूशन लेके आई हूँ कि आप कि मात्र 30 रुपए में आप किस तरह से अपने जो टमी टक्कर है यानी कि जो टमी पैंटी है आप किस तरह से बनाएं। मैं यहाँ पे 2 तरीके आपको दिखाऊंगी। एक रेगुलर टमी यानी कि अगर आप रेगुलर वे में अगर आप टमी टक्कर पहनेंगे तो आपको जो है वो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वो एरिया आपका जब जैसे कोई चीज़ होती है पूरे टाइम दबी रहती है तो वो बिल्कुल भी आपको रेगुलर बेसिस पे कोई भी चीज़ ऐसे पहनोगे तो बहुत ही जल्दी आपको पेट अंदर जाएगा। जैसे शेपर भी जब आप शॉप पे खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे आपसे क्या बोलते हैं कि आप पूरे दिन शेपर पहनो, या फिर डिलीवरी भी आपसे यही बोला जाता है कि आप बेल्ट पहनो। तो ये डिलीवरी वालों की बात भी है जो मैंने ये चीज़ बनाई है, और ये फुल DIY है लेकिन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इफेक्टिव है। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं फालतू में क्यों पैसे खर्च करना, आप घर में जब बना सकते हो इसे मात्र 30 रुपए में, कहीं कहीं 30 रुपए से भी सस्ता मिल जाएगा। ये है कि आपके नियरेस्ट शॉप पे ये कितने का देता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग मेरे नियरेस्ट शॉप में कितने का दिया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको 30 रुपए बता रही हूँ। अगर आप मैं 2 तरीके बताऊंगी इंस्टेंटली, मतलब कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे किस तरह से आप इसे पहनना चाहते हो, या फिर आप जैसे ओकेजनली कहीं जाना चाहते हो, कोई ड्रेस पहनना चाहते हो, साड़ी पहनना चाहते हो, तो पूरा यहाँ तक आपका टमी हाइड होगा। अगर रेगुलर बेसिस पे रहोगे तो बैली बटन से थोड़ा सा ऊपर आपका जो टमी है वो रेगुलर बेसिस पे बिल्कुल टाइट रहेगा, प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो भी चीज़ मैंने इसमें लगाई है वो आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हो तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो जो भी आपकी फ्रेंड्स हैं, जो भी आपकी मम्मा हैं, जो भी आपकी सिस्टर्स हैं, या जिनका भी अभी अड़ोस पड़ोस के लोग जिनका भी ऑपरेशन हुआ है वो पेट अंदर करना चाहते हैं, जो लोग भी समस्या से जूझ रहे हैं, प्लीज़ उनको मेरा ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्योंकि आई थिंक पैसे कोई भी बर्बाद ना करो जिसके पास है या नहीं है, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चले चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टम्मी टक्कर को बनाने के लिए आपको कोई भी अपनी नॉर्मल पैंटी लेना है, जो भी आप यूज़ करते हो किसी तरह की, किसी भी कपड़े की। तो मैं यहाँ पे आपको दोनों दिखाऊंगी। अगर आप कॉटन के कपड़े का यूज़ करती हैं तो वो सही है, तो ये जैसे कॉटन की हो गई, वो दूसरे जो स्टेन वाली होती है जिसमें स्टेन नहीं लगता है वो, तो आप किसी भी टमी के लिए हाइड करने के लिए आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे मुझे इतनी चौड़ी जो है वो इलास्टिक मिली है, आप इसे डबल करके भी और बड़ा सा इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 तरीके आज आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आप नॉर्मल पैंटी बनाएं, जो नॉर्मल टमी टक्कर है, और जो आप ओकेजनली बनाएं। तो मैं यहाँ पे ये वाली पैंटी चूज़ कर रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, पूरा एक मेज़रमेंट लेना है कि कितना आपको कट करना है। जैसे मेरे पास ये ज़्यादा रखी हुई थी, इससे भी चौड़ी में भी मार्केट में आती हो। तो यहाँ पे मेज़रमेंट के लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक तरफ क्या करूँगी, एक सेफ्टी पिन से इसे टक कर लूँगी ताकि मुझे यहाँ से ये चीज़ हटे ना, और मुझे इसे पूरा मेज़रमेंट करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ से मैं इसे इस तरह से मेज़रमेंट करूँगी ताकि मतलब कि बड़ा छोटा ना हो, एक अंदाजा क्या सटीक पता चल जाए कि मुझे इतना ही कट करना है। तो बहुत ढंग से आप करिए तो आपके जो लास्टिक है वो खराब भी नहीं होगी। तो ये पूरा आपको यहां से इतना कट कर दीजिए, हल्का सा बराबरी में हल्का सा छोटा कर दीजिएगा ताकि जो है आपके कमर के पास जो है वो लास्टिक हल्की सी टाइट होगी और आपका जो टमी एरिया है वो थोड़ा सा
टाइट होगा। तो ये जो सेफ्टी पिन है मैंने मतलब कट कर लिया था यहाँ से, अब मैं सेफ्टी पिन यहाँ से हटाऊंगी और यहाँ से मैं इसे सिलना स्टार्ट करूंगी। नहीं, इस तरह से नहीं सिलना है, आपको क्या करना है, इसे सब फ्रंट से सिलना है ताकि ये सामने से आपका बिल्कुल सही आएगा। तो मतलब जो आपकी पैंटी है उसे आपको बिल्कुल सीधा रखना है और इसे जो है आपको उल्टा करके यहाँ से, आपके पास अगर मशीन है तो आप मशीन के थ्रू सिल लीजिए। मैं यहाँ पे आपको एक रफली सुई धागे से करके दिखा रही हूँ, अगर मशीन है तो उसे और ज़्यादा मजबूती से हो जाएगा। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा छोड़ के, फर्स्ट से थोड़ा सा छोड़ के आपको यहाँ पे इसे टक करना स्टार्ट करना है। मैचिंग धागा आप ले लो, मेरे पास मैचिंग नहीं था तो मैं ये धागा यूज़ कर रही हूँ, आप मैचिंग धागा ले लो, मशीन यूज़ कर लो, जैसे भी मतलब आपको सिलना आता हो आप उस तरह से सिलाई करना स्टार्ट करो। यहाँ से बहुत इजी वे में ये सिलाई हो जाएगी, मतलब बिल्कुल भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो आराम से आप सिलना यहाँ से स्टार्ट करो और पूरा मतलब कि पूरा आप गोल गोल इसे सिलना स्टार्ट कर दो। इसके बाद ये मैं अभी दिखाऊंगी एक तरीका, उसके बाद मैं दूसरा तरीका भी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो मैंने बोला था आपको कि कोना आप छोड़ दीजिएगा, तो यहाँ से आप क्या करना है, आपको हल्का सा टाइट करते हुए, यानी कि एक कोने को आपको हल्का सा टाइट करते हुए आप चाहे तो सीधा करके सिल लीजिए और वो काट लीजिए आप इलास्टिक को, या फिर आप पूरा हल्का सा टाइट करते हुए दोनों के ऊपर रख के टक कर लीजिए। मैं क्या करूँगी, कौन सा मैथड अप्लाई करूँगी, मैं क्या करूँगी दोनों को, यानी कि दोनों को एक के ऊपर एक रख के अच्छे से टक करूँगी और पूरा सिल दूंगी मजबूती के साथ। इससे क्या होगा, अगर आप वो वाला भी मेथड अपनाना चाहते हो कि पूरा करके साइड से कट करके उतना आप जो है इलास्टिक हटा दीजिए, मैं वो मेथड नहीं अप्लाई कर रही हूं, मैं एक के ऊपर एक रख के सिल दे रही हूं। थोड़ा सा मजबूती के साथ सिलिएगा ताकि, अगर मशीन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हाथ से सिल रहे हैं तो धागे को तीन चार उसमें करके तब सिलिएगा। तो ये मेथड मैं यहाँ पे अपना रही हूँ और आप मजबूती के साथ इसको बहुत अच्छे से सिल दीजिएगा ताकि निकले नहीं और आपको पहनने में प्रॉब्लम ना हो। आप साइड से भी, ये जो मैं दिखा रही हूँ साइड से भी आप यहाँ से सिल सकते हैं, लेकिन अभी आपको यहाँ पे साइड से सिलने की कोई जरूरत नहीं है, जब ये उठेगा तो बिल्कुल भी, क्योंकि ये ऊपर है, अगर आप वैसे कर रहे हो तो ऐसे सिल लीजिए। तो ये जो आपकी फर्स्ट, मैंने जो दो मैथड में से ये फर्स्ट मैथड है, ये जो आप रेगुलर पैंटी यूज करेंगे, यानी कि जो बैली बटन के आसपास आपके बैली बटन के एरिया को टक करेगी बहुत अच्छे से अंदर करेगी, और ये आपकी रेगुलर पैंटी है जो आप पहनते हो रेगुलर, उसमें आप पहनिए, आपका जो ये वाला हिस्सा है बहुत तेजी से अंदर जाएगा। और ये मार्केट में 250 से 300 रुपए में मिलती है और घर में आप मात्र 30 रुपए में आप बना सेट बताऊंगी, यानी कि जो मैं ओकेजनली बात कर रही थी कि आप ओकेजनली अपने टम्मी को हाइड करिए, जिसे शेपर भी बोलते हैं, तो इस तरह से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इससे भी चौड़ी मिल रही है, मुझे इससे चौड़ी नहीं मिली थी, तो मैं आपको ये आइडिया यहाँ पे बता रही हूँ, इसे आपको डबल करना है और इससे थोड़ा सा जो नीचे वाला आपने लगाया है उससे थोड़ा सा जब आप मेजरमेंट लोगे तो आप थोड़ा सा कम काटोगे, या ताकि आगे ऊपर जो है वो एक कसाव बन जाएगा। तो आपको इस तरह से कट करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाना है जैसे कि मैंने दिखाया, और सिलाई करते हुए आपको फिर पूरा एक गोला बनाना है और टाइट करते हुए, यानी कि नीचे का नहीं खींचना है, जो ऊपर वाली इलास्टिक है उसे खींचते हुए आपको पूरा टक करते हुए चलना है और फिर पूरा इसे सर्कल बनाना है। और इसमें आपको जो ज्वाइंट है साइड का वो टाइट करना पड़ेगा, टाइट वहां या सामने से। तो इस तरह से आपका ये जो टमी टक्कर है, सॉरी शेपर है, ये बन के रेडी हो जाएगा, जो मार्केट में 800 से 900 रुपए का आपको मिलता है। और आप जो है इस तरह से आपका ये जो मैं ओकेजनली पहनने वाला है, किसी भी ड्रेस के नीचे पहनने वाला है, जीन्स के पहनने के नीचे वाला है और साड़ी के पहनने की तरह है, तो आप इससे भी चौड़ा और कर सकते हो, यानी कि अगर आप दो, आपको इतना बड़ा बड़ा करके आप और चौड़ा कर सकते हो, ऊपर तक कर सकते हो। तो इस तरह से आप मात्र 30 रुपए में अपना टमी टक्कर, टमी शेपर बना सकते हो और पहनिए, इंजॉय करिए, मतलब बहुत ईजी है इसे बनाना, एक बार ट्राई जरूर करिए। तो फ्रेंड्स,
आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है, जस्ट लेके आइए बनाइए और थोड़ा सा खींच के बनाइएगा ताकि टाइटनेस आ जाए पेट में। और अगर ये वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो भर भर के लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।